नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। राजस्थान में एक और सीडी कांड, दो महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार, सामने आया कांग्रेस एमएलए का नाम। कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा की मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा पॉलिटिकल पाखंड। ईडी ने शराब नीति मामले में अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। श्रद्धा हत्याकांड, पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने कबूली कत्ल की बात, साथ ही कहा मुझे कोई अफसोस नहीं। फिरोजाबाद हादसा, सीएम योगी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। गुरुग्राम में दिन दहाड़े ज्वेलर का बैग लूटा, विरोध करने पर बरसाई गोलियां। टॉयटा किलोस्कर के वाइस चेयरपर्सन विक्रम किलोस्कर का हुआ निधन। पाकिस्तान बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों को मार गिराया। दिन भर चले राजनीतिक ड्रामे के बाद YSRTP प्रमुख शर्मिला को मिली सशस्त्र जमानत। और तीसरा वनडे, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बॉलिंग करने का किया फैसला।